अपने बिजनेस कारोबार को बढ़ाने के लिए हिंदुस्तानी रिपोर्टर की इस ईमेल एड्रेस पर संपर्क। टनल से गुजरती ट्रेन में पर्स स्नैचिंग का वायरल होते वीडियो का सच। मैं रफीक कामदार, हिंदुस्तानी रिपोर्टर में आपका स्वागत है। पिछले कुछ दिनों से सोशल मीडिया पर मुंबई पुणे के बीच चलने वाली इंद्रायणी एक्सप्रेस ट्रेन में एक पर्स स्नैचिंग की वारदात होने का वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है। इस वीडियो के सच्चाई के संबंध में खुद मध्य रेलवे के अधिकारियों का जो खुलासा सामने आया है उसके मुताबिक ये ट्रेन जो है वो इंद्रायणी एक्सप्रेस नहीं है, मुंबई पुणे के बीच चलने वाली ये ट्रेन वो नहीं है। कुछ लोगों ने इसे बताया है कि ये भोपाल में हुई वारदात है, भोपाल की ट्रेन है, जबकि ये भी सच नहीं है। इस वीडियो के वायरल होने के बाद मध्य रेलवे के मुंबई विभाग ने इसकी जब पड़ताल की तो उन्होंने इसके संबंध में जो स्पष्टीकरण जारी किया है वो हम आपको बता रहे हैं। मध्य रेलवे के मुंबई विभाग के नोटिफिकेशन के अनुसार, उनके जारी किए गए स्पष्टीकरण के अनुसार, ये वीडियो इंद्रायणी एक्सप्रेस का नहीं है, क्योंकि इंद्रायणी एक्सप्रेस में किसी तरह के कोई सीसीटीवी कैमरे नहीं लगे हैं। ये जो वीडियो वायरल हुआ है वो सीसीटीवी फुटेज का है, वो ट्रेन के अंदर लगे सीसीटीवी से कैद हुई पूरे दृश्य का है, और इंद्रायणी एक्सप्रेस में ऐसे कोई सीसीटीवी फुटेज नहीं है, ऐसा मध्य रेलवे मुंबई विभाग ने स्पष्ट किया है। दूसरी बात यह है कि इस वीडियो को जो है बताया जा रहा है कि ठाणे से मुंब्रा के बीच जो पारसिक टनल है उस पारसिक टनल का ये वीडियो है। पारसिक टनल का जो निर्माण आकृति है और टनल का जो गैप है उसके बारे में मध्य रेलवे ने स्पष्टीकरण दिया है कि इस तरह का कोई भी टनल का गैप और उसकी टनल की प्रकृति जो है वो उससे मेल नहीं खाती, जिससे ये साफ होता है कि ये पारसिक टनल का वीडियो नहीं है। वहीं भोपाल से संबंधित जो बातें बताई जा रही है उसकी भी अभी तक पुष्टि नहीं हुई है। खुद मध्य रेलवे अभी तक पूरी तरह से इस बात का पता नहीं लगा पाई है कि ये कौन सी ट्रेन का वीडियो है, कौन सी ट्रेन में सीसीटीवी फुटेज लगे हैं। शताब्दी का भी हवाला दिया जा रहा है, लेकिन शताब्दी के ट्रेनों के बोगियों का अंदर का जो हिस्सा है वो इससे बिल्कुल अलग है, उसकी तस्वीरें अलग है, तो ये शताब्दी से भी मेल नहीं खा रहा है। तो कुल मिलाकर के अभी तक इस वीडियो पे असमंजस बरकरार है, मगर मुंब्रा पारसिक टनल, मुंब्रा और ठाणे के बीच में पड़ने वाला ये पारसिक टनल जो बताया जा रहा है वो बिल्कुल नहीं है, जिस पर मध्य रेलवे ने साफ इनकार किया है। इंद्रायणी एक्सप्रेस का भी नहीं है, वो भी पूरी तरीके से मध्य रेलवे ने नकार दिए उस बात को। तो कुल मिलाकर के अब तक जो है ये वीडियो कौन सी ट्रेन का है, कौन सी घटनास्थल का है, कौन सी जगह का है, ये पूरी तरीके से तस्वीर साफ नहीं हो पाई है। मगर ये तस्वीर साफ हो चुकी है कि मुंब्रा पारसिक टनल का ये वीडियो नहीं है, इंद्रायणी एक्सप्रेस का ये वीडियो नहीं है। फैक्ट चेक के अनुसार और मध्य रेलवे मुंबई विभाग द्वारा दिए गए स्पष्टीकरण के अनुसार ये वीडियो इंद्रायणी एक्सप्रेस और मुंब्रा पारसिक टनल का नहीं है, ये सच्चाई अब तक सामने आ चुकी है।